ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द फर्स्ट लेक्चर। इसमें हम केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी, हमारे पास एक केस है। सिद्रा इज़ अ 34 ईयर्स ओल्ड फीमेल, हैव अ 88 केजी वेट, 5 फीट 5 इंच हाइट एंड स्लाइटली एक्टिव। फाइंड हर IBW एंड BMI एंड टोटल कैलोरिक नीड्स। सो इस तमाम केस स्टडी से हमें जो कि है बेसिक इंफॉर्मेशन क्या मिली है। बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास इसमें है, जो इस साइड पे हमने लिखा हुआ है ना, ये पिंक जो ब्लॉक है इसमें हमने इसको लिखा हुआ है। इसमें है इसकी एज जो कि है 34 ईयर्स, जो कि हमारे पास यूज़ होगी। ये तमाम जो IBW, BMI और टोटल कैलोरिक नीड्स की फाइंड आउट करने में। वेट 88 kg, हाइट 5.5 फीट और फिज़िकल एक्टिविटी जो कि है 1.37। यहाँ पे हमने कहा है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी वो क्या है, स्लाइटली एक्टिव है। तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के एक्टिविटी मल्टीप्लायर होते हैं जो कि कन्फर्म, यानी वही हम यूज़ करते हैं वही पॉइंट्स। जैसे कि अगर सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो तो उसके लिए हम BMR को मल्टीप्लाई करते हैं 1.2 के साथ। अगर लाइटली एक्टिव हो तो हम BMR को मल्टीप्लाई करते हैं 1.37 के साथ। और अगर मॉडरेटली एक्टिव हो तो फिर हम BMR को मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 के साथ। अगर वेरी एक्टिव है तो तब हम BMR को मल्टीप्लाई करते हैं 1.725 के साथ। और अगर एक्स्ट्रा एक्टिव है तब हम BMR को मल्टीप्लाई करते हैं 1.9 के साथ। तो हमारे पास इस सिचुएशन में वो क्या है, स्लाइटली एक्टिव है, यानी लाइटली एक्टिव। स्लाइटली और लाइटली एक ही मतलब है। तो क्या होगा इसका फिज़िकल एक्टिविटी लेवल, 1.37, ठीक है। और फिर ये तमाम बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि है वो हमने ले ली है। अब हम आ जाते हैं IBW को फाइंड आउट करने की तरफ। यहाँ पे हमारे पास जो कि है IBW, आइडियल बॉडी वेट, ये जो है इस ब्लॉक में हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमने उस क्वेश्चन से, पहले वाले क्वेश्चन से ली थी। और ये हमारे पास BG डिवाइन फार्मूला है। मुख्तलिफ किस्म के फार्मूले यूज़ होते हैं IBW फाइंड आउट करने के लिए, मगर जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो हमारे पास ये BG डिवाइन फार्मूला है। मेल के लिए इसका फार्मूला ये है, 50.0 kg प्लस 2.3 kg पर इंच ओवर 5 फीट, ठीक है। फीमेल के लिए जो इसका फार्मूला है वो है 45.5 kg प्लस 2.3 kg पर इंच ओवर 5 फीट। इसका ये मतलब है कि अगर मेल है, उनकी हाइट अगर हमारे पास 5.5 हो, तो जो फर्स्ट 5 फीट है उसके लिए 50 जो कि है वो फिक्स है, और फीमेल के लिए फर्स्ट 5 फीट के लिए 45.5 फिक्स है। उसके अलावा अगर उसके साथ 5 इंच है, 10 इंच है, 12 इंचेस है, जितनी भी इंचेस है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.3 के साथ। और इस तरह जो कि है ये हमारे पास ये सिचुएशन जो कि है आ जाएगी, ठीक है। तो हम यानी इसी से हम फाइंड आउट करेंगे किस चीज़ को, IBW को। तो अब हमारे पास हाइट क्या थी, हाइट जो कि थी हमारे पास वो थी 5.5 फीट, यानी फीमेल थी, ठीक है। तो हम ये फीमेल वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। 5 फीट के लिए हम ले लेंगे 45.5, ये वाला 45.5, ठीक है। और जो 2.3 है उसको हम जो 5 फीट के साथ जो मज़ीद जो इंचेस है उनको उसके साथ मल्टीप्लाई, जैसे कि 5 है, ठीक है। तो हमने 2.3 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, तो हमारे पास आ गया 11.5, ठीक। अब इस 11.5 और 45.5 को हम प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास जो ये 57 kg आ गया, ये क्या आ गया, आइडियल बॉडी वेट, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सिंपल मेथड था जिसके ज़रिए हम IBW फाइंड आउट करते हैं। अब हम आ जाते हैं BMI की तरफ, ठीक है। अब BMI को हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास ये भी वही बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमने उस केस स्टडी की से ली थी। और BMI का फार्मूला हमारे पास यहाँ ये ग्रे जो शेप है इसमें है। वेट kg में हम लेते हैं, डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक।
तो वेट तो हमारे पास केजी में है 88 kg सही, लेकिन हाइट जो कि है वो हमारे पास 5 feet 5 inches में है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 feet 5 inches को हमने कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में। तो इसको हम किस तरह मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हमारे पास ये राउंड शेप जो कि है इसमें तमाम जो प्रोसीजर है वो बताया गया है। जैसे कि हमारे पास है 5 feet 5 inches, तो 5 feet हमारे पास 1 feet जो कि है कितने 12 inches के इक्वल होता है। तो हम 5 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करते 60 आ जाएगा। तो अब 5 feet और इजाफी थे ना, तो 60 plus 5 तो हमारे पास 65 inches आ जाएंगे। अब हमने इन इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास 1 inch 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, 65 inches को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है 2.54 के साथ, तो ये हमारे पास 165.1 सेंटीमीटर आ जाएंगे। ठीक है, तब अब हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे कि हम, क्योंकि हमारे पास एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो हम डिवाइड कर देंगे 165 को 100 पर, तो हमारे पास 1.65 मीटर आ जाएगा। तो अब हमने इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हम 1.65 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.65 के साथ, तो हमारे पास क्या आ गया, 2.72 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस 2.72 मीटर स्क्वायर को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी 88 डिवाइडेड बाय 2.72 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो जब हमने इन दोनों को डिवाइड कर लिया है तो हमारे पास आ गया है 32.3, यानी ये आ गया है इसका BMI। तो हमारे पास BMI के जो कि है अपने कट ऑफ्स होते हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये 32.3 जो कि है रेंजेस होती है ना, 18.5 से लेकर हमारे पास 24.9 तक हमारे पास नॉर्मल होता है, फिर 25 से लेकर 29.9 से तक हमारे पास ओवरवेट होता है, फिर 30 से लेकर 34.9 तक हमारे पास क्या होता है, ओबीज होता है। तो ये पेशेंट जो कि है, ये हमारी जो केस हमने लिया था वो क्या है, ओबीज है, तो यानी ये ओबेसिटी में लाए कर रहा है, इसका BMI क्या है, ओबीज में लाए कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पास सिंपल मेथड था BMI को फाइंड आउट करने के लिए। अब हम आ जाते हैं कैलोरिक नीड्स को फाइंड आउट करने की तरफ। ठीक है, यही हमारे पास वही बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमने ली थी, और हमारे पास कैलोरिक नीड को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन का, जो कि मिफ्लिन एंड एस जी जियोर ने 1990 में इसको रिवाइज्ड किया था, वही फार्मूला है। ठीक है, तो मेन के लिए हमारे पास अलग फार्मूला है, फीमेल के लिए, वुमेन के लिए अलग है, BMR फाइंड आउट करने के लिए सही। तो और फार्मूला सेम है, मगर एंड में जो कि है यहाँ पे प्लस 5 है, और वुमेन के लिए यहाँ पे -161 है। ठीक, तो हमारा जो पेशेंट था वो क्या था, वो वुमेन थी, फीमेल थी, तो हम इसके लिए फीमेल वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय वेट इन केजी, वेट हमारे पास है 88। ठीक, 6.25 मल्टीप्लाई बाय हाइट इन सेंटीमीटर, हाइट हमारे पास सेंटीमीटर में हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी ना, ये 1.165.1 सेंटीमीटर, ये हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, 1. ठीक, अब हमारे पास क्या नहीं है, हाइट इन सेंटीमीटर 5 मल्टीप्लाई बाय एज इन ईयर्स हमारे पास है 34.161। ठीक, तो अब हमने इन सब को मल्टीप्लाई कर दिया, अब जो हमारे पास ये 880 प्लस ये तमाम रिजल्ट आ गए। अब हमने क्या करना है, पहले इनको हमने प्लस करना है, फिर इसके बाद इन तमाम जो इनके रिजल्ट्स आ गए, ये 170 -161, इन सबको माइनस करके हमारे पास जो एंड रिजल्ट आ गया वो है हमारे पास 1580.9, इट मींस 1580। ठीक है, 0.9। तो अब हमारे पास टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर हम फाइंड आउट करेंगे, ये तो हमारे पास BMR आ गया। BMR को टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी हमारे पास ये है 1.37, इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आया,
2165। तो ये क्या है, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर है। ठीक, अब हमारे पास हमने फीमेल की जो बीएमआई निकाला था उसके मुताबिक हमारी जो पेशेंट थी वो क्या थी, ओबीज थी। ओबिसिटी जो क्राइटेरिया है उसमें लाइक कर रही थी। तो हम क्या करेंगे, हम उससे 500 का कट डाउन लगा देंगे टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर से। ठीक, और अगर ये अंडरवेट में आ रही होती, इसकी जो क्राइटेरिया था वो अंडरवेट में फिट हो रहा था, तो हम क्या करते, हम इससे इसके साथ 500 का प्लस कर लेते, 500 को प्लस कर लेते। अगर नॉर्मल होती तो हमारे पास बस यही इसकी जो कैलोरीज आई थी वो यही रहती। ठीक है, तो हमने जब इस 2165 से माइनस कर दिया 500 को, तो हमारे पास जो एंड जो टोटल कैलोरिक नीड है वो आ गई 1665। तो ये हमारे पास हमारी पेशेंट की जो कि कैलोरिक नीड है। ठीक, 1665। सो ये तमाम जो फार्मूलेस थे हमने इनको यूज़ कर लिया और हमने फाइंड आउट कर लिया। और उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आया होगा। अगर कोई भी मुश्किल हो, एनी टाइम यू विल बी आस्क टू मी। ठीक है, और ये हमारे पास एट द एंड ये मैंने एक मोटिवेशनल जो पिक्चर है वो लगाई है, एक मोटिवेशनल कोट है। इसमें ये है कि अ लिटल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट। अब थोड़ा थोड़ा सा अपनी जो मेहनत करते हैं उस पर काम करें, थोड़ा थोड़ा अपनी नॉलेज में इजाफा कर ले, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एंड में आपको एक बिग रिजल्ट, एक बिग अचीवमेंट जो कि है मिल जाएगी। हर एक दिन अगर आप, जैसे कि आज के दिन आपने ये फार्मूलाज सीख लिए, इस पर आपने काम किया, तो एट द एंड आप बहुत बहुत से अच्छे अच्छे डाइट प्लान्स बनाएंगे, एक जो कि है बहुत बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट बन पाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग। एंड एट द एंड एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो यू विल आस्क मी। थैंक यू सो मच।